2000 रुपये तक की रेंट तो रेडी मिल जाती है। इसके अलावा जो चीज़ें होती है वो बैग्स वगैरह, और ये भी काफ़ी खूब सारे डिजाइन है। वॉल पेपर में बहुत डिजाइन है आपके पास। तो अभी ज्यादा बात मैं वहाँ के लिए नहीं करूंगी, अभी फिलहाल मैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लाइफ स्टाइल में आऊंगी और मैं आ गई हूँ यहाँ पर शोरूम के अंदर और यहाँ की मैं वैरायटी दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी थी पिछले व्लॉग्स में, लेकिन जो हम आंखों से देखते हैं तो हमें यकीन होता है कि कैसी चीज़ें होंगी और क्या होगा। मैं बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ लेकिन मैंने वीडियो कभी नहीं बनाई थी। आज मैं यहाँ की वीडियो बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को भी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, स्टार्टिंग करती हूँ यहाँ से। तो ये देखें आप, यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छा सामान है। देखिए इस तरीके के जार से हैं ये, तो आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट हो या कोई और चीज़ जो भी रखना चाहें आप। यहाँ पर वुलन्स में है, ये लकड़ी में है सारे ही ट्रे वगैरह। तो ये देखें आप, और ये देखें इस, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। ट्रे सेट है, ये ट्रे सेट देखें आप, और ये बहुत सारे हैं। तो मैं जो दो चार चीज़ें होंगी वो मैं दिखाऊँगी, अदरवाइज़ बहुत पूरी चीज़ें तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, और भी दिखाती हूँ आपको। आइए, यहाँ पर सारा क्रॉकरी का सामान है, प्लेटेस वगैरह जितनी भी है सब अभी शॉपिंग हो रही है पीछे, और ये देख सकते हैं आप, वो बहुत अच्छी वैरायटी में है। देखें आप, बहुत अच्छी और यूनिक एकदम स्टाइल देखें आप। ये प्रिंट भी बहुत अलग सा है, और यहाँ पर मार्बल में है, बट ये मार्बल नहीं है, ये कौन सा क्या बोलते हैं इसको, फाइबर बोलते हैं, फाइबर में है ये, मार्बल है इसमें, प्रिंट वो वाला है मार्बल वाला, तो वो है। और मेला बोल क्या बोलते हैं, अच्छा मटेरियल मेला, तो आप बताओ भैया मुझे तो मालूम। हाँ तो भैया इस मटेरियल के बारे में बताएं आप, क्या चीज़ है? मेला माइन का है मटेरियल, फुल ग्रेड है, टूटेगा नहीं, अच्छा टूटेगा फूटेगा नहीं, आप गिर भी सकता है तो टूटेगा नहीं, तो उस चीज़ का है। और बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। बहुत सारी वैरायटी है, देख सकते हैं आप, बहुत सारी है, ऊपर की साइड में रखे हुए हैं, मैं नीचे करके नहीं दिखा सकती। एक पीस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फिश कटिंग में है, देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तीन पीस का है, सारे ही थ्री पीस के हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, और बहुत अच्छी वैरायटी मिलने वाली है आपको, बहुत अच्छा। मतलब लेडीज़ को तो ज़्यादातर शॉपिंग का बहुत शौक होता है, और घर सजाने में तो एकदम माहिर, तो चीज़ें खरीदने का भी एक अपना अपना सोच होती है और अपनी अपनी एक पसंद होती है। लेकिन जब यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर पसंद वसंद कुछ नहीं, जो आप मतलब जितनी वैरायटी है, जितनी चीज़ें हैं सारी ही आपको अच्छी लगने वाली है। मैं कप्स आपको दिखाती हूँ, इतने खूबसूरत कप हैं, ये देखें आप, गोल्ड में, ये देखें आप, और ये छः का सेट है ना, सिक्स पीस का सेट है, यहाँ पर एक एक पीस लगा के रखा है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा खूबसूरत है सारे ही, जितने भी हैं यहाँ पर, एक भी ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को रिजेक्ट कर दें, सारे ही वैरायटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जितने भी कप्स हैं। और यहाँ पर डायमंड्स में भी कप्स दिए हैं, देखें आप, मतलब ये चीज़ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। मैंने आपको बोला था कि जब मैं यहाँ पर आती हूँ थार शोरूम में, तो मेरा दिल खुश हो जाता है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी है, और इस तरीके की वैरायटी मुझे जोधपुर में देखने को नहीं मिलती है। देखें आप, डायमंड्स में प्लेट और ये कप कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और भी बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर, और कप्स की वैरायटी ये देखें आप, ये देखें ये वाली आप कप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं ये वाला कलर उठाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा पीच स्टाइल, और ये देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है, ये प्लेट और ये कप स्टाइल देखें आप, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा था कि दुबई में जो सामान मिलता है
दिखाओ दुबई में जो सामान मिलता है वो सामान आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और जोधपुर में, खास तौर पे जोधपुर में आपको देखने मिलेगा। ये तो बात ये लगी, जयपुर और भी चीज़ सिटी है जहाँ पर सामान होते हैं, बट यहाँ पर जोधपुर में आपको इस तरीके का सामान देखने को मिल रहा है। आप आप केटली सेट, यहाँ पर है केटली और यहाँ पर है सिक्स इसके कप, और कितना खूबसूरत कितना प्यारा लग रहा है। ये छोटा सा है केटली सेट और ये कितना खूबसूरत है, देखें आप। ऐसी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके की सामान। और यहाँ पर भी तीन कलर आते हैं आपके पास, केटली सेट में भी तीन कलर्स में है। यहाँ पर भी केटली सेट है बहुत ज़्यादा, मुझे ये प्रिंट बहुत प्यारा लगता है, ये कपड़े में भी बहुत आता है, दुबई प्रिंट है। आप जानते ही होंगे कि दुबई में बुर्कों में ये कपड़े में बहुत ज़्यादा चलता है ये वाला प्रिंट, और बहुत खूबसूरत प्रिंट है। तो यहाँ पर देखें ये वाला केटली, देखें आप कितना खूबसूरत केटली, ये केटली देखें आप। राजा महाराजाओं की याद आ गई होगी आपको कि ये वाले इस टाइप के जो सामान होते हैं वो राजा महाराजाओं की वहाँ पर होते थे, और उसी टाइप के सामान में चाय कॉफ़ी जो भी पीना होता था वो पीते थे। और ये देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है, जब हम टेबल पे ये चीज़ रख देंगे तो बहुत ही यूनिक, मतलब टेबल की शान बढ़ जाएगी, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें आप कितना प्यारा केटली है, और बहुत सारी केटली है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, कप्स भी हैं, केटली सेट भी है। आ जाओ अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये है थालियाँ, तो जिसमें हम खाना खाते हैं वो थालियाँ हैं। और थालियाँ में देखें आप इतने खूबसूरत थालियाँ हैं, बहुत है, गोल्ड प्लेट में है, और यहाँ पर पूरी थालियाँ ही हैं जितनी भी हैं, मतलब इतनी सारी वैरायटी है, आपको जो अच्छी लगती है आप वो लें। और ये सारी थालियाँ हैं जितनी भी हैं, चला गई अंदर। हाँ तो यहाँ में है डिनर सेट की वैरायटी, और डिनर सेट में आप देखिए यहाँ पर स्टील में डिनर सेट है, और काफ़ी खूबसूरत डिनर सेट है, चीनी में और भी चीज़ों में, क्रोकरी में आपको देखा ही होगा डिनर सेट मिलते हैं, बट स्टील में भी पहली बार देख रही हूँ। ये देखें आप, और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये बाउल से अलग अलग है, आप बताएं जरा, आप ये बताएंगे डिनर सेट के बारे में, डिनर सेट के बारे में आप बताएं। स्टील में पहली बार देख रही हूँ डिनर सेट, नहीं स्टील में जैसे मैडम जी रोज गोल्ड वगैरह जो अभी अच्छे चल रहे हैं, रोज गोल्ड है, गोल्ड है, ये वैरायटी अच्छी चल रही है, अभी चल रही है, अभी बेसिक जो स्टील होता है ना जी वो कम दिखता है, कम दिखता है। तो ये कौन सा वाला स्टील है, ये प्योर स्टील है, प्योर स्टील है, प्योर स्टील, ये आप बताएं प्योर स्टील है, स्टील में लाइफ टाइम तक इसकी गारंटी भी रहती है। अच्छा गारंटी देते हैं आप इसकी, स्टील की गारंटी है, और गारंटी देते हैं इसका, और अभी चल रहा है ये वाला प्योर स्टील है। और ये सेट वगैरह कितने की है, क्या प्राइस है, आप उधर जनरली क्या जो स्टील होता है ना उसमें क्रैक आ जाते हैं, इसमें क्रैक नहीं है। हाँ तो सर बोल रहे हैं कि इसमें क्रैक नहीं आते हैं, स्टील्स वगैरह में ज़्यादातर क्रैक्स आ जाते हैं, और प्लेटें वगैरह भी टूट जाती है, देखा ही होगा आपने चम्मच वगैरह जब हम लेते हैं, प्लेटें लेते हैं तो उसमें दरार सी आ जाती है, बट इसमें नहीं आएगी। ये अच्छा वाला स्टील है, पूरा सेट है, जग वगैरह सभी कुछ है इसके अंदर। और प्राइस की बात करें तो हम सिरामिक क्रॉकरी है सारी ही, और बहुत वो वाला बताएं वो किस चीज़ का हैंडमेड ग्लास, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देखें आप हैंडमेड ग्लास है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा सेट है, ऊपर देख सकते हैं आप, ये जर्मनी का ब्रांड है, सर बता रहे हैं जर्मनी का ब्रांड है, बहुत सारी वैरायटी है। सर प्राइस की बात करें तो एकदम रिजनेबल है, हाँ तो स्टार्टिंग आप बता सकते हैं 4,000 के आसपास आपको स्टार्टिंग है डिनर सेट की, और उसके बाद आप जैसा आपको पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग आपकी रेट बढ़ जाएगी, मतलब जितनी भी हो सकती है, मतलब इतनी नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ नॉर्मली उसकी रेट बढ़ जाएगी 4, 5, 10, हाँ 15, 20, जो भी आपको जैसा भी चाहिए आपको उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। हाँ ये सेट तो आपने नॉर्मली देखे ही होंगे, तो ये सेट तो हर जगह मिलते हैं, बट जो ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको ये हर जगह देखने को नहीं मिलती है, स्पेशली स्टील में, ये भी मैंने पहली बार ही फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, और यहाँ पर कोई वैरायटी की कमी नहीं है। हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हाँ कासा सुना तो है मैंने, और बहुत हैवी है, कासे का सेट है ये, और बहुत हैवी है। पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो इन चीज़ों में खाना भी बनाते थे, और दवाइयाँ भी बनती थी, जो देसी दवाइयाँ होती थी वो कासे के बर्तन आपने सुना होगा उसमें बनती थी, तो ये वही सेट है, कासे का सेट है। सर इसकी प्राइस बता दें, ये 10,000 के करीब करीब है, तो 1,00,000, अच्छा हाँ 1,00,000।
कांसे के बर्तन बहुत महंगे आते हैं और ये पूरा सेट है, 1 लाख रुपए के करीब का ये सेट है, जिसकी बजट हो आगे खरीद ले। वैसे कांसे के बर्तन बहुत महंगे आते हैं, आप लोग भी जानते ही होंगे। और ये देखें आप, इतनी प्यारी लग रही है टोकरी। यहाँ पे शादी वगैरह होती है, वेडिंग होती है या फिर मंगनी वगैरह कुछ भी होता है, तो उसके अंदर इसमें फ्लावर्स वगैरह ये कुछ भी लेकर हम जाते हैं दूल्हे वालों के घर या दुल्हन वालों के किसी के भी घर जाओ, बहुत प्यारी लगने वाली है ये बास्केट, कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये ड्राई फ्रूट के लिए ये भी कहाँ से है, ये देखें, ये मसाले के लिए है, आप मसाले रख सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारी वैरायटी है, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी, मतलब एक नहीं है, ये ड्राई फ्रूट्स बॉक्स हैं सारे, डायमंड लगा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, जर्मन सिल्वर, ये ब्लैक नहीं पड़ता, ये काला नहीं पड़ेगा, ये काला नहीं पड़ेगा, ब्लैक नहीं होगा और जर्मन सिल्वर है। और ये देखें आप, ये कांच का है ऊपर और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये डायमंड देखें आप, 1 करोड़ का डायमंड है ये। उधर आ रही हूँ मैं, इतना प्यारा एलिफेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। और शोपीस है ये भी, आप अपने घर में ले जाके सजाएं, कहीं पे भी कोई सी भी वॉल में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये भी। फ्रूट्स के जार हैं ये देखें आप, बहुत सारी वैरायटी है हर एक चीज में। और ये सब मूर्तियाँ हैं जितनी भी हैं, एंड यहाँ पर आपको पॉट्स मिल जाएंगे, फ्लावर पॉट्स, और ये देखें आप, कांच में भी हैं और यहाँ पर भी हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये देखें आप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और बहुत सारी वैरायटी है देखें आप, लैम्प्स वगैरह भी हैं पीछे की साइड में, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं वो भी। एंड यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का सारा, ये हैंडीक्राफ्ट में है ना, ये हैंडीक्राफ्ट में है जो भी है सारा सामान, ये देखें आप, है सारी बॉटल्स वगैरह, तांबे की, कांच की, जितनी बॉटल्स होती हैं वो सारी बॉटल्स हैं। और यहाँ पर सब डिश हैं, और ये देखें आप, ये सब बॉटल्स हैं। थर्ड फ्लोर पे लेकिन लिफ्ट लगी है, मैं हाँ अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट पे जा रहे हैं, लेकिन थर्ड फ्लोर तक है ये बिल्डिंग, और ये लिफ्ट सीढ़ियाँ उधर से हैं, जिसको सीढ़ियों पे जाना है वो सीढ़ियों से जाएं, हम लिफ्ट से जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये लिफ्ट,